और एक और किस्म की सब्सिडी भी होती है जो मुस्तहक को दी जाती है, शौकत खानम अस्पताल में भी दी जाती है सब्सिडी। ठीक है, वेरी गुड, देखो ना जी, मतलब ये है कि अगर एक शख्स आता है वो कहता है लाख रुपए का मिलाज कर दे दे, एक कहता है मैं नहीं कर सकता। मैं मिनिस्टर साहब से ये अर्ज करना चाहूंगा कि किसी पब्लिक सर्विस के लिए चलने वाली किसी चीज का सेल्फ सस्टेनेबल होना कोई बेंचमार्क नहीं है। हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये किसी मुल्क में भी सेल्फ सस्टेनेबल नहीं होते। ठीक है, आप मीडिया के सामने आके बता रहे हैं कि 8 बिलियन का हम ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, और अब इसके सवाल होता है कि जी क्या आप ये बंद करने जा रहे हैं? इसका फैसला सूबाई हुकूमतें करेंगी। मतलब आपने सूबाई हुकूमतें भी आपकी हैं, लोगों में खौफ का तार तो छेड़ दिया ना? छेड़ दिया। अब जो बच्चा सुबह या जो मजदूर सुबह मेट्रो में बैठने जा रहा है उसके दिल में आपने खौफ डाल दिया कि ये जो मैं 20 रुपए दे के 20 मिनट में 20-25 किलोमीटर का सफर तय कर लेता था और अब शायद ये जा रहा है, ये वो दे गए थे। ये तक कह दिया कि जी हो सकता है कि सब्सिडी नहीं दी। ऑरेंज लाइन पे उन्होंने फरमा दिया कि जी अगर पैसे ना हो तो फिर देखेंगे, नहीं चलेगी भाई, फिर आप नहीं चला सकते। आपको ये फालतू बात नहीं करनी चाहिए हुकूमत को। अच्छा, इस पे तो हाथ ही नहीं लगाना चाहिए था मेरे तरफ। देख, मैं आपको बताता हूं, देखिए जी, आप लगाएं हाथ, अगर लगाना है हाथ तो मैं उसका तरीका भी बताता हूं आपको। आप कहें जी कि ये 8 बिलियन की सब्सिडी दे रहे हैं जिसमें के 4 बिलियन जो है वो वेस्ट हो रहा है। थैंक यू। और उसको हम उसको हम टाइट करेंगे, अवाम को हम ये चीज पहुंचाएंगे। आपने मुझे ये बताएं जनाब कि आप PIA को, जिसमें मैं और आप शायद सफर करते हूं या और भी बहुत से लोग सफर करते होंगे, उसको आप सालाना जो है 54.2 बिलियन की आप दे रहे हैं, उसको लॉस उठा रहे हैं। उसका आप डेली का 17 करोड़ का और एक महीने का 5 बिलियन का लॉस आप उठा रहे हैं। उसको आप सालों से 2005 ऑनवर्ड आप ये लॉस बढ़ता और कम होता चल रहा है। आपने अब तक बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस का लॉस PIA पे उठा लिया है। उसको आपने नहीं कहा कि हम मरकजी हुकूमत को कह रहे हैं या डिफेंस को कह रहे हैं कि इसको बंद करो, इसको चलाओ। मैं आई इंटरजेक्ट हियर अगेन, मजे की बात यह है कि PIA का जो लॉस है वो ऐसी हवाएं मार रहा हूं 100% करप्शन, मेल प्रैक्टिस, इनकॉम्पिटेंस, बदउनवानी की वजह से। वहां सब्सिडी नहीं है, वहां हजारों लोग लगे हुए हैं, चोरी हो रही है। जो अच्छा PIA के एम्प्लॉई हो तो बेचारा स्टाफ से कभी बात करें जहाज में, उन्हें सर पकड़ा होता कि सर हम क्या करें, हमारा अच्छा, क्या कसूर है। अच्छा, अब इसमें जो है वो ये है कि अब मैं एक ओवरऑल, फिर हम स्पेसिफिक्स पे भी आ जाएंगे। जी बिल्कुल। मैं एक ओवरऑल सिनेरियो बिल्ड कर रहा हूँ कि आप अवाम को अच्छी खबरें दें, मेरी दरखास्त खासतौर पर इब्तदाई अयाम में। अब इब्तदाई अयाम में अब मैं एक और बात करना चाहता हूँ।